हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स के सिक्स चैप्टर एनर्जी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने की क्षमता, मतलब जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल है। और इसी तरीके से ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं, जिनमें से कुछ रूप के बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी क्या है, ऊर्जा के रूप हैं, ठीक है। इनके द्वारा भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा वह होती है जिसे किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम उस ऊर्जा को किसी यंत्र में संचित करते हैं तथा उसका यूज़ हम किसी भी कार्य को करने के लिए करते हैं, मतलब यंत्र में की हुई संचित ऊर्जा जिसका उपयोग हम कार्य को करने के लिए करते हैं उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई खिलौना है, ठीक है, हम उसमें चाबी भरते हैं, चाबी भरने के बाद क्या होती है, वो खिलौना, मतलब कोई भी है, वो चलने लगता है, ठीक है, चाबी वाला खिलौना है वो चलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ऊर्जा संचित हो गई है जो कि जिसकी वजह से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। इसी तरीके से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होती है कि जैसे कि रासायनिक अणुओं में संचित ऊर्जा, ठीक है, जैसे कि अब हम भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के अणुओं में संचित रहती है। तो अणुओं में जो संचित ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जैसे माचिस की तीली में, जैसे भोजन के अणुओं में भी हो गई, इसी तरीके से अगर हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो उसमें भी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, जो कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो जल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ध्वनि ऊर्जा के बारे में बात करें तो ध्वनि ऊर्जा वह होती है, मतलब ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ध्वनि ऊर्जा जब हमारे कान के पर्दों को कंपित करती है तो हमें सुनाई पड़ता है। तो ध्वनि ऊर्जा से क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। इसी तरीके से प्रकाश ऊर्जा क्या होती है कि वह ऊर्जा जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश, और प्रकाश के द्वारा ही हमें चीज़ें, वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, प्रकाश ऊर्जा। जैसे इसके उदाहरण हो सकता है मोमबत्ती, लालटेन, टॉर्च, ये सभी क्या है, प्रकाश ऊर्जा के स्रोत हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे पानी खोल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है तो उसको अगर हम ढक दें तो ढकने पर क्या होती है, जो अगर बहुत तेज़ पानी उबलने लगता है तो उसकी भाप से जिस बर्तन से हमने ढका हुआ है वो हट जाता है। तो इसके मतलब क्या है कि वो ऊष्मा में भी ऊर्जा है जिसकी वजह से क्या है, ढके हुए बर्तन को हटा रही है, ठीक है, तो वो क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा क्या है, तो विद्युत में भी कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कि विद्युत के द्वारा ही बल्ब जलता है, पंखा जलता है, तो ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा का ही उदाहरण है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या है, ऊर्जा के स्रोत दो तरीके के होते हैं, एक नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा होता है अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जिनको, जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, जो हमेशा हमारे लिए मतलब ऊर्जा उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है, तो वो हुए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा मतलब हमें सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम सूर्य के प्रकाश कितना भी जैसे हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो उससे उसकी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। या जल चक्र है, जैसे जल हम इस्तेमाल करते हैं पुनः वो एक जल चक्र होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इस्तेमाल किया हुआ जल पुनः अपने वास्तविक रूप में बदल जाता है। तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसी तरीके से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, जो मतलब ऊर्जा के वे स्रोत जो एक बार
इस्तेमाल होने के बाद, जैसे जिनके ख़त्म होने की संभावना है कि जैसे हजारों वर्षों बाद, या क्या है कि हमें ये लगे कि ये ऊर्जा के स्रोत जो जिनसे हमें ऊर्जा मिल रही है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी कमी हो जाएगी, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इनके भंडार सीमित हैं, ठीक है। तो भीड़ सीमित भंडार होने की वजह से क्या है कि इनके ख़त्म होने का एक डर है कि ये जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये ख़त्म हो जाएंगे, तो ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हैं इनका हमें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। और ऊर्जा के अन्य भी स्रोत हैं, जैसे ईंधन, ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, LPG है, इसके द्वारा क्या है हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है ऊर्जा मिलती है, तो क्या है ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। भोजन के द्वारा हमारे कार्य करने की क्षमता, जैसे भोजन के द्वारा ही हमें एनर्जी मिलती है, हम कोई कार्य करते हैं तो इससे क्या है, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा हम कार्य नहीं कर पाएंगे, तो भोजन भी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरीके से बायोगैस भी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। सौर ऊर्जा के बारे में पिछली क्लास में बता चुके हैं, तो सौर ऊर्जा भी, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमें हमने क्लास सिक्स के चैप्टर ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। आप ये चैप्टर अपनी बुक से पढ़िएगा डिटेल में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।